नाउ सी स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग का आंसर पीएल में, पीएल का आंसर पीएल एप्रो में, जो पीएल एप्रो का आंसर आया वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ये दोनों डेबिट साइड से जाएंगे क्रेडिट साइड. सी हाउ बाय कौन से अकाउंट से आप इसको लेके आए हो, पीएल एप्रो से. ये भी लिख सकते हो या डिविजिबल प्रॉफिट ये भी लिख सकते हो. ओके, जो आपका आंसर आया, हमारे क्या आंसर आए, 35850 और दूसरा हमारा आंसर आया दैट इज सी 23900. ओके, ट्रेडिंग का आंसर पीएल में, पीएल का पीएल एप्रो में, और पीएल एप्रो के डेबिट साइड से मैं इसको पार्टनर्स कैपिटल में लेके क्रेडिट साइड. नाउ सिंपली यू हैव टू क्लोज दिस. पहले इसका मैं टोटल करती हूँ, दैट इज 95850, और फिर इस साइड का टोटल करेंगे, दैट विल बी 72900. ओके, हियर 95850 72900. क्लोज दिस, ये टोटल हो गया. अब ये जो ब्रह्मा का टोटल है उसमें से ये 5000 माइनस करो, सो ये डिफरेंस विल बी 90850. और जो ये विष्णु का टोटल है क्रेडिट साइड, उसमें से विष्णु का डेबिट साइड माइनस करो, सो यू विल गेट द आंसर. क्लियर? ब्रह्मा के क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट माइनस किया, विष्णु के क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट माइनस किया, दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. ये आपकी कैपिटल बच गई, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. अब इसको पार्टनर्स कैपिटल से लेके बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है कैपिटल. ओके, ब्रह्मा एंड विष्णु, ये जो आंसर आया ना 90850 और 67900. ओके, ये जो आंसर आया पार्टनर्स कैपिटल का, ये क्लोजिंग कैपिटल है. और कैपिटल कहाँ आती है, लायबिलिटी साइड. ये ब्रह्मा और विष्णु का लिख दिया, इन दोनों का हम टोटल करते हैं. ओके, नाउ दिस इज योर फाइनल बैलेंस शीट. नाउ जस्ट डू द टोटल. ओके, यू विल गेट 244,000. हेयर ऑल्सो यू विल गेट 244,000. क्लियर? बस कैपिटल लिख दिया, बाकी सब तो लिखा हुआ है ना, एडजस्टमेंट्स, डबल इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस, सब आ गया. ये तो सिर्फ अकाउंट्स को क्लोज किया. लास्ट में आई ट्रांसफर्ड द कैपिटल और लायबिलिटी साइड का टोटल किया और एसेट साइड का टोटल किया, और टैली तो होना ही चाहिए, राइट? दिस इज योर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट.